अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने मैं एक मीडिया रिलेटेड एक टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया में जब पूरी मीडिया कोरोना वायरस के इस चैलेंज को कैसा फेस करे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर मीडिया जो है किस तरीके से पूरा का पूरा कोरोना वायरस जो है इसे एक मुस्लिम इशू बनाकर कन्वर्ट किया जाए। पूरा कोरोना वायरस मुसलमानों की वजह से इंडिया में आया है, मुसलमान एक साजिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर कोरोना वायरस फैलाने के लिए। कोरोना वायरस जिहाद नाम का एक जिहाद मुसलमानों ने शुरू किया, इस तरीके का हम देख रहे हैं कि एक नरेटिव इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया चला रहा है। और बहुत सारे लोग इसमें मैं देखता हूँ ट्विटर पर कमेंट करते हैं क्यों मीडिया ऐसा कर रहा है, एक छोटे बच्चों जैसा सवाल भी आता है क्यों मीडिया ऐसा कर रहा है, मीडिया ऐसा नहीं करना चाहिए, चंद लोग क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। देखिए असल बात यह है कि ये इंडियन मीडिया का जो है एक एंटी इस्लामिक स्टैंड जो है, एंटी मुस्लिम स्टैंड जो है, ये हमेशा से रहा है। तो मैं आज आपके सामने जो है ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा एक नैरेटिव इंडियन मीडिया पेडल करता है, क्या मिलता है उन्हें ऐसा एक न्यूज बनाने से, और ऐसी कम्युनिटी को इस्लामोफोबिया नाम की चीज को प्रोपोगेट करने में, कम्युनिटी को टारगेट करने में मीडिया को क्या मिलता है। तो ये चीज समझने के लिए सिर्फ इंडिया नहीं, थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखकर फिर हम इंडिया पर आएंगे। देखिए ग्लोबली अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल्स आने से पहले भी, 24/7 न्यूज चैनल आने से पहले भी हम देखते हैं मीडिया जो था उसमें इस तरीके के एक एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव दिखाया जाता था। तो मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज चैनल्स नहीं है, अगर आप लार्जर देखेंगे तो टीवी भी उसके अंदर आ गए, टीवी में जो सीरियल्स धारावाहिक आते हैं वो भी उसके अंदर आ गए, फिल्में जो बनती हैं वो भी आ जाता है, अलग अलग चीज मीडिया के अंदर आ जाता है। तो अगर आप ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो स्पेशली हॉलीवुड जो है बहुत पहले से, आज से 100 साल पहले या 50-60-80 साल पहले की फिल्में भी अगर आप देखेंगे हॉलीवुड के, उन फिल्मों में आप देखेंगे मुस्लिम्स को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था, स्पेशली मिडल ईस्ट इन लोगों को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था कंप्लीटली एक नेगेटिव एंगल में था। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए जो वेरी फेमस मूवीज लॉरेंस ऑफ अरेबिया आप देख लीजिए, ऐसे अलग अलग मूवीज आप लोग देख लीजिए, इस मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि मुस्लिम्स को ऐसे दिखाया गया कि एकदम बैकवर्ड, एकदम ये पिछड़े हुए कम्युनिटी, जंगली, कुछ भी सिविलाइजेशन नहीं है। और उसी तरीके से वेस्ट को कैसा दिखाया जा रहा था कि हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी जैसा। उसके बाद भी आप देखें जितने भी ये हॉलीवुड मूवीज आते थे, सारे हॉलीवुड मूवीज के अंदर हम देखते थे किस तरीके से मुस्लिम्स को एक वेरी क्रूअल विलन जैसा प्रोट्रे किया जा रहा था। और खासकर 1948 के बाद का, यानी जो फलस्तीन इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें इसराइल एक स्टेट जो बनाया गया, एक इलीगल स्टेट को बनाया गया इसराइल के, उसके बाद अगर आप देखते हैं हॉलीवुड का नैरेटिव और बदल गया। क्योंकि हर कोई जानता है कि हॉलीवुड में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उसमें जायोनिस्ट ज्यूज, हर ज्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, जो जायोनिस्ट होते हैं, जैसे हम इंडिया के अंदर जो हिंदुत्ववादी कहते हैं, यानी हर किसी हिंदू को हम लोग हिंदुत्ववादी नहीं कहते हैं, सिर्फ आरएसएस वालों को कहते हैं, वैसे ही ज्यूज में भी जायोनिस्ट ज्यूज होते हैं। वो जायोनिस्ट लोगों का कंट्रोल हॉलीवुड पर बहुत ज्यादा था, इसलिए आप देखते हैं कि ये जो फिलिस्तीनियन स्ट्रगल था जमाने से, जब यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन हॉलीवुड में उसको क्या किया जाता था, उसको एक वेरी नेगेटिव इंपैक्ट में दिखाया जा रहा था। ये कंटिन्यू हुआ। उसके बाद देखिए जब ये कॉर्पोरेट हाउसेज न्यूज चैनल्स लेके आ गए, कॉर्पोरेट हाउसेज ने बड़े बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल्स जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंट्रोल करने लगे, उस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट का जो एजेंडा था या उस वक्त की गवर्नमेंट ये कॉर्पोरेट्स को क्या एजेंडा देती वो एजेंडा लोग पेडल करते। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 1979 में जब अफगानिस्तान और रशिया का जंग चल रहा था, बेसिकली अमेरिका उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व था, लेकिन उस वक्त की मूवीज अगर आप देखेंगे उस वक्त की मूवीज में यही हॉलीवुड और यही वेस्टर्न मीडिया जो है अफगानिस्तान के लोगों की तारीफें किया करते थे। उन्हें जो मुजाहिदीन नाम है ये उन्होंने नहीं दिया, तो वेस्टर्न मीडिया ने दिया था उन्हें नाम। अगर आप मूवी देखेंगे रैम्बो 3 एक बहुत फेमस मूवी है, वो मूवी देखेंगे तो उसमें तो इनकी तारीफ के लिए मूवी बनाई गई, मूवी के शुरू में ही बताया जाता है कि ये फिल्म जो है हम अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उन लोगों को डेडिकेट करते हैं। तो ऐसा एक प्रोपेगेंडा मीडिया ने बनाया, क्योंकि कोल्ड वॉर के वक्त जो है अफगान के मुसलमानों को सपोर्ट करना उनकी इंटरेस्ट को सूट होता था, और उस वक्त ज्यादातर मूवी जो है रशिया को डिग्रेड करके, रशियन कम्युनिज्म को डिग्रेड करके बनाए जाते थे। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि रशिया तो अब नहीं रहा, उसके बाद वापस फर्स्ट गल्फ वॉर आया, अलग 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 चीजें आने लगी, तब से हम देख रहे हैं कि वापस ये नैरेटिव एंटी मुस्लिम नैरेटिव आना शुरू हुआ। और स्पेशली 9/11 के बाद तो कंप्लीट बदल गया, 9/11 के बाद तो मुसलमानों को टेररिज्म के साथ ज्वाइंट
कर दिया गया। और ये एक इस्लामिक फोबिक एक एंगल हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आना चालू हो गया। अब इंडियन मीडिया को अगर आप देखेंगे, इंडियन मीडिया हमेशा से ऐसा एक क्या कहते हैं पक्के ओपनली एंटी मुस्लिम एटीट्यूड इंडियन मीडिया का नहीं था। इंडियन मीडिया में जब प्राइवेट न्यूज चैनल शुरू हुए, हाँ थोड़े मुस्लिम इश्यूज पर वेरी वो लोग क्या करते थे, ऐसा क्रिटिसाइज कर कर बात करते थे, खासकर मुस्लिम वुमेन्स को लेकर हो या मदरसों को लेकर हो या मुस्लिम लीडर्स को लेकर हो। इन लोगों को लेकर अगर आप पुरानी भी अगर आप 10 साल पहले भी कोई मीडिया न्यूज देखेंगे, उन मीडिया न्यूज के अंदर भी आप देखेंगे, स्पेशली जो लेफ्ट ओरिएंटेड मीडिया थी उसके अंदर आप देखेंगे इस तरीके का एक क्रिटिसाइज करके न्यूजें आती थी, प्रोग्राम्स आते थे और एक अलग एंगल दिया जाता था। लेकिन सब कुछ बदल गया 2013 के बाद। 2013 से हम देखते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट जो थी वो करप्शन की वजह से कंप्लीट तबाह हो गई थी और इंडिया की जो मिडिल क्लास थी, उस मिडिल मतलब हिंदू मिडिल क्लास बेसिकली, या जिसको हम अर्बन हिंदू मिडिल क्लास कहते हैं, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास, इनको जो है यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर से पूरा का पूरा विश्वास चला गया था। क्योंकि ये जो एंटी करप्शन कैंपेन्स चल रहे थे, ना जा रहेगी ये सब चीज, और आप भी पता चल रहा है सबके पीछे आरएसएस था, लेकिन वो जो कैंपेन चल रहा था वो कैंपेन की वजह से और ये गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से, यूपीए में बहुत करप्शन भी हुए थे, वो करप्शन की वजह से जो है एक कंप्लीट एक डिससेटिस्फेक्शन आ गया था। उसको कैप्चर करने के लिए उसी टाइम पर हम देख रहे हैं बीजेपी का ने मोदी को प्रमोट किया, और सिर्फ मोदी को प्रमोट नहीं किया, 2-3 आइडियोलॉजीज प्रमोट किए गए। उसमें एक आइडियोलॉजी था, वो था कट्टर देशभक्ति का, जिसको हम नेशनलिस्ट कहते हैं। वो नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट, जो आरएसएस का एक कॉन्सेप्ट था, आरएसएस हमेशा से कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहा था, वो कल्चरल नेशनलिज्म को पुश करने की कोशिश की गई। और एक तरफ से लोग गवर्नमेंट पर मायूस थे, दूसरी तरफ से ऐसा एक एंगल दिया गया कि एक मिलिट्रली स्ट्रांग मुल्क रहना है या सिक्योरिटी स्टेट बनाना है, या फिर जो हमारी एक इज्जत चली गई पूरी दुनिया में, इज्जत को वापस लाना है। इज्जत को वापस कैसा लाएंगे अगर हम अपने आप को जो है हमारा जो एंशियंट पुराने जमाने में, रामायण के जमाने, महाभारत के जमाने में जो हमारी एक 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 लेवल थी, इज्जत थी, वो इज्जत को वापस लाना है, तो वापस बीजेपी को या आरएसएस को हम लोगों को पावर में लाना, इस तरीके का एक नैरेटिव वेरी स्ट्रांगली पीआर एजेंसीज के थ्रू बीजेपी ने प्रपोगेट किया। उस टाइम जो मीडिया थी, देखिए मीडिया ने भी जज किया, मीडिया ने भी ये जज किया कि लोगों को क्या पसंद है। देखिए मीडिया हमेशा वो चीज दिखाएगी जो लोगों को पसंद, जिससे उनका मार्केट है, जो बिकता है। तो 2013 के बाद जो था, स्पेशली ये न्यूज देखने वाले लोग कौन है, न्यूज ज्यादा देखने वाले लोग हैं, प्राइवेट न्यूज देखने वाले ज्यादा लोग हैं, सिटी में रहने वाले अर्बन मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं, एकदम रईस लोग, उनके पास तो टाइम नहीं न्यूज देखने के लिए, एकदम गरीब लोग, उनके पास केबल टीवी भी नहीं था 6-7 साल पहले न्यूज चैनल्स देखने के लिए। तो अर्बन मिडिल क्लास जो है ये लोग देखा करते थे, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर सिटीज के लोग देखा करते थे। अब इनका जो एक नैरेटिव बदल रहा था, जो ये आरएसएस कल्चरल नेशनलिज्म चीज इनके अंदर डाल रहा था, तो मीडिया ने भी जज किया कि हम अगर ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जो ऐसे एक आरएसएस और हिंदुत्व लाइन पर रहा, तो ही हमें ऑडियंस मिलेगा, वरना ऑडियंस नहीं मिलेगा। और इस चीज को देख रहे हैं कि कंपटीशन होना शुरू हो गया। इसलिए आप देखिए 2013 और उससे पहले जो न्यूज चैनल्स थे जो सेक्युलरिज्म की बात करते थे, जो आरएसएस के खिलाफ बातें करते थे, वही न्यूज चैनल्स हम देख रहे हैं 2013 के बाद जो है इनके सपोर्ट में बात करना शुरू कर दी। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जो ये सैफरन टेरर का केस होता, साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित का, यही मीडिया तो जी इंडिया की मीडिया ही थे जिसने कहा था कि सैफरन टेरर है। अब सैफरन टेरर वर्ड किसने दिया था, मीडिया ने तो ही दिया था, या हिंदू तो हिंदू टेररिज्म वर्ड किसने दिया था, कोई मुसलमानों ने थोड़े ही दिया था, ये तो मीडिया ने ही दिया था। तो उस वक्त का नैरेटिव क्या था, उस वक्त बिक क्या रहा था, उस वक्त बिक रहा था अगर ये हिंदू टेरर सैफरन टेरर बोले तो बिक रहा था। लेकिन अभी आप देखें जिन लोगों को ये लोग टेररिस्ट बोल रहे थे, आज उन्हीं लोगों को देशभक्त बोल रहे हैं, उसी साध्वी प्रज्ञा को इसी यही न्यूज चैनल देशभक्त बोल रहे हैं, उसी कर्नल पुरोहित को वही न्यूज चैनल, स्पेशली आप देखिए टाइम्स नाउ ले, उस वक्त टाइम्स नाउ इनको टेररिस्ट कह रहा था, अब वही टाइम्स नाउ इनको देशभक्त कह रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि बात किस तरीके से नैरेटिव चेंज हो, इसलिए क्योंकि लोगों को क्या पसंद है, लोगों के सामने क्या बिकता है, मेजोरिटी हमारे व्यूअर्स की आइडियोलॉजी क्या है, क्या चीज उन्हें पसंद है, हम वही चीज उन्हें देंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इंडियन मीडिया का नैरेटिव चेंज हो रहा था, क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने अपना काम जो है इतने तेजी से किया था, एक अर्बन मिडिल क्लास के अंदर उन्होंने एक माइंडसेट चेंज किया था, उस माइंडसेट को अलाइन करने के लिए ये मीडिया ने भी अपना चेंज कर दिया। अब उसके बाद जो हो रहा है ये ओपन इस्लामोफोबिया हो रहा है। अब जो हो रहा है इसमें देखिए मीडिया वाले छुपाने की कोशिश करेंगे, कुछ छुपाने की बात नहीं, ओपन इस्लामोफोबिया है। जैसे आप देखते हैं आज इंडिया टुडे में अगर आप देखेंगे एक कोरोना वायरस का तबलीग का वो एक तबलीग जमात का उन्होंने एक
डिजाइन बना है उसमें कोरोना वायरस के डिजाइन में एक टोपी डाला हुआ एक डिजाइन है, यानी पूरे दुनिया में इसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन यहां पर ओपनली इस चीज को लोग प्रमोट कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया का जो एक डिजाइन को। उसके साथ आप देखिए जी न्यूज का प्रोग्राम देख लीजिए, आज तक का प्रोग्राम सब ले लीजिए, और आरएसएस चैनल्स तो अलग है, उनकी मैं बात भी नहीं करता हूं, लेकिन मेन स्ट्रीम चैनलों की बात कर रहा हूं। इनका आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कि ज्यादा इस्लामोफोबिक ज्यादा कम्युनल कौन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना इनको व्यूअरशिप मिलेगी। आप एक क्लासिक केस ले लीजिए, आप टाइम्स नाउ और रिपब्लिक का। अब टाइम्स नाउ और रिपब्लिक जो है, इन दोनों का एजेंडा क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों के व्यूअर्स कौन है? सेम है, ऑडियंस सेम, एजेंडा सेम। अब दोनों के बीच में कंपटीशन है कि ज्यादा नंबर वन पर कौन आएगा, इसलिए आप देख रहे हैं हमेशा टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के बीच में कंपटीशन रहता है। वो कंपटीशन क्या होता है? ज्यादा एंटी मुस्लिम कौन रहेगा, ज्यादा इस्लामोफोबिक कौन रहेगा, ज्यादा प्रो बीजेपी कौन रहेगा, ज्यादा प्रो हिंदुत्ववादी कौन रहेगा। इनके आपस में बीच में कॉम्पिटिशन होता है और इस कॉम्पिटिशन में लोग हर लेवल क्रॉस कर चुके हैं। तो आज वही चल रहा है हिंदी न्यूज चैनल्स में भी, आप देखिए जी न्यूज आज तक के बीच में भी यही कंपटीशन चलता है कि ज्यादा एंटी मुस्लिम ज्यादा प्रो हिंदुत्व कौन रहेगा, प्रो गवर्नमेंट कौन रहेगा। और देखिए इन चीजों के ऊपर दूसरा भी एक एंगल ये है कि मीडिया के अंदर भी आप समझिए, आप ये मत सोचिए कि सारे जो न्यूज एंकर है ये लोग पर्सनली वैसे हैं। जहां तक मेरा ओपिनियन ये, बहुत सारे न्यूज चैनल के एंकर जो है पर्सनली ऐसा एक इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी नहीं रखते, क्योंकि देखिए एक 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 न्यूज एंकर जो आज से 6 साल पहले जो है पक्के सेक्युलरिज्म की बात कर रहा था, अचानक एक आदमी कम्युनल नहीं हो सकता, समझे, अचानक कम्युनल नहीं हो सकता और उसका आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो सकता। बात यह है कि वो लोग अपना नरेटिव दो एंगल से बदलते हैं। एक जो मैंने पहले बताया आपको कि जो ऑडियंस क्या चाहती है वो देंगे, जो बिकता है वो देंगे, अगर हिंदुत्ववादी एंटी इस्लामिक कंटेंट बिकता है तो वो दिखाएंगे, अगर दूसरा सेक्युलर कंटेंट बिकता है वो दिखाएंगे वो लोग। तो आज इंडिया में एंटी मुस्लिम कंटेंट बिक रहा है तो वो दिखा रहे हैं। दूसरा एंगल ये एंकर इसलिए बदलते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। आप क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अभिसार शर्मा का आप ले लीजिए, या उसी चैनल में जो प्रसून थे उनका ले लीजिए। थोड़े प्रोग्राम्स वो लोग इस तरीके से कर रहे थे जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर एक 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 प्रोग्राम्स उनकी तरफ से आ रहे थे, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसियों के फेलियर को लोग दिखा रहे थे। क्या हुआ? एबीपी न्यूज चैनल पर प्रेशर डाला गया और वो एबीपी चैनल जिसके प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के फेलियर्स को दिखाते थे उनको मजबूर किया गया ये दो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को बाहर निकालने के लिए। और अब आप देखिए उस एबीपी न्यूज चैनल वो वापस जी न्यूज और आज तक के साथ कम्पीट कर रहा है। किस चीज में कम्पीट कर रहा है? कि गवर्नमेंट का लाडला, आरएसएस का लाडला कौन है, या जी न्यूज है, आज तक है, या फिर एबीपी है। तो ये हम देख रहे हैं एक आपसी कंपटीशन हो रहा है और ये ज्यादा ही होने वाला है, कम होने वाला नहीं। आने वाले 4 साल में आप ये मत सोचिए कि ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि और टॉक्सिक एनवायरमेंट बनाएंगे। और फैसिज्म की जो खासियत होती है कि जितना टॉक्सिक एनवायरमेंट हो वो आए ताकि लोग जो है असल मुद्दों के बारे में ना सोचे। अब ये मीडिया भी जो है, फॉर एग्जांपल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास हेल्थ इक्विपमेंट्स नहीं है। टेस्टिंग में अगर आप देखेंगे इंडिया में आज भी 48 आवर्स से ज्यादा लग रहा है एक टेस्टिंग रिजल्ट लाने के लिए, 3 दिन से ज्यादा भी लग रहा है रिजल्ट लाने के लिए। वही कोरिया, जापान और चाइना में आप देख लीजिए कितने जल्दी से वो लोग रिजल्ट्स दे रहे हैं। और पर मिलियन में अगर आप देखेंगे, पर मिलियन में इंडिया सबसे कम है, 300 लोगों की टेस्टिंग इंडिया में हो रहा है पर मिलियन में। वहीं आप चाइना, वहीं आप अमेरिका, साउथ कोरिया और दूसरे इटली, स्पेन देखिए कितने ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे असल मुद्दे हैं। अब इस पर डिस्कशन करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये चीज बिकेगा नहीं। अगर कोई भी एक चैनल ये न्यूज को दिखाएगी तो उनको अलग अलग नामों से कहा जाएगा कि ये लोग पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, ये लोग प्रो मुस्लिम हैं। इसलिए कोई मीडिया ये चीज दिखाने के लिए भी रेडी नहीं है। तो उम्मीद भी मत रखिए मीडिया ये चीज दिखाएगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, या तो उन्हें टीआरपी चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट के प्रेशर से डर रहे हैं। ये दो पॉइंट है। अब मैं आप लोगों से चंद बातें कहना चाहता हूं, वो ये है, क्योंकि देखिए कंप्लेनिंग का नेचर बंद कर दीजिए, हम लोग उसके ऊपर आ गए। अब 6 साल गुजर गया, पहले साल में आप कंप्लेन कर सकते थे लोग ऐसा एंटी मुस्लिम चीज दिखा रहे हैं, आप कंप्लेन मत कीजिए, समझे। कंप्लेन करने से लोग बदलने वाले नहीं है। तो क्या करना है आप लोगों को? अल्टरनेट मीडिया डेवलप कीजिए। सर आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक चीज जो भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अभी
इंदौर का जो वाक्या हुआ, डायरेक्टली क्लियर कट कहा गया कि वहां पर हेल्थ वर्कर्स के ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया उससे चार दिन पहले उन्होंने कॉपरेट किया था। सारे गांव के वो जो मोहल्ले के लोग थे गवर्नमेंट और हेल्थ वर्कर के साथ पूरी तरीके से कॉपरेट कर रहे थे। वो तो वहां पर सोशल मीडिया में थोड़े वीडियो वायरल हुए थे जिसमें यह बताया गया था कि ये मोहल्ले के लोगों को जिस क्वारंटाइन एरिया में लेके जा रहे हैं वहां पर पानी खाना फूड की कमी है, इसलिए यहाँ के लोग एजिटेटेड होकर उनके तरफ से इस तरीके से एक रिएक्शन हुआ और रिएक्शन को भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन ये चीज जो है ये कोई मीडिया नहीं बता रहा था। ऐसी जो अलग एंगल है वो अलग एंगल हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया में आप लोग ऐसा चीजें सामने रखें, समझे, चाहे लोग देखें या ना देखें वो अलग चीज है, लेकिन अलग एंगल जो है सामने लाना जरूरी है। तो ये एक चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहता था कि मीडिया जो ऐसा एक एंटी इस्लामिक एंगल ले रहा है कोई नई बात नहीं है, ये पहले से था, 2013 से थोड़ा ज्यादा हुआ है और ज्यादा होगा। तो इनको चेंज करने के लिए या इनसे नाराज होने के लिए आप लोग बेकार मायूस मत होजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं पॉपुलर फ्रंट से हम कहते हैं, पॉपुलर फ्रंट को आप देख लिए, 2017 से हमें टारगेट कर रहे हैं, 2017 से तो कह रहे हैं कि कल हम खत्म हो जाएंगे, खत्म हुए क्या, हम लोग हमारा काम करते जा रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं ये लोग बदले, हम लोग हमारा काम करते जा रहे हैं जिस तरीके से डेमोक्रेटिकली एक इनको काउंटर करना हम लोग करते आ रहे हैं। तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि इन चीजों से मायूस मत होजिए, अपना काम आप कीजिए, सच्चाई को पब्लिक के सामने लाने के लिए क्या क्या मीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी बात मैं कंक्लूड करता हूं, ये न्यूज चैनल्स जो है, ये न्यूज चैनल्स का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल कोई देखता नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, पिछली बार कब है कि आप रात को 9 बजे करेक्ट घर में बैठकर इंतजार में कोई एक न्यूज चैनल आपने देखा होगा? हमें याद नहीं हमने कब देखा, लेकिन पहले 10 साल पहले हम लोग पूरा काम छोड़ के 9 बजे जाके प्राइम टाइम देखते थे। अब कोई देखता नहीं है, समझे, क्योंकि न्यूज चैनल्स कोई देखता नहीं है। ये जो भी न्यूज चैनल की बातें आपको आती हैं ये असल में सोशल मीडिया में आती हैं, और ये जो भी एंटी मुस्लिम न्यूज जो सोशल मीडिया में जो न्यूज चैनल्स में आते हैं वो चैनलों में कोई नहीं देखता, वो आप लोग उनके यूट्यूब में देखते हैं, आप लोग ही सर्कुलेट करते हैं, आप लोग ही उन्हें व्यूज देते हैं। अगर आप उनका न्यूज देखना बंद करेंगे, आप उनका जो नेगेटिव न्यूज को स्प्रेड करना बंद कर देंगे, उनके यूट्यूब में भी उन्हें व्यूज नहीं रहेगा, फेसबुक में व्यूज नहीं रहेगा। तो न्यूज चैनल ऐसे ही आप देखें खत्म हो रहे हैं। यूएस के अंदर आप देखिए CNN और BBC है, इसको देखने वाला एवरेज उम्र के लोग जो है 55 की उम्र के ज्यादा लोग हैं, कम उम्र के लोग देख भी नहीं रहे घर में न्यूज टीवी। इंडिया में भी यही हो रहा है, कोई टीवी बैठ के नहीं देख रहा है। तो इनको इनका जो प्रोपोगंडा है टीवी में तो कोई नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया में भी स्प्रेड मत कीजिए आप लोग, उनके हाल में उन्हें छोड़ दीजिए। आप सोशल मीडिया में अलग एंगल, पॉजिटिव एंगल आप लोग स्प्रेड कीजिए, इस चीज पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। इतनी बातें आपके सामने रखनी थी, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपके सामने लाने की कोशिश जो मैंने की है उस कोशिश में आप लोगों को चंद बातें समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी अलग अलग टॉपिक्स में आपके सामने ऐसे ही बातें सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।